वार्ड पार्षद आशा शर्मा की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के सहयोग से चलाए जा रहे डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में अब अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को भी संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग दी जाएगी। वहीं अगर कोई विद्यार्थी कोचिंग के दौरान किसी सिविल परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे इंटरव्यू में आने जाने के लिए 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यह बात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने धर्मशाला में कही। गत वर्ष जो है अप्रैल 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को चिन्हित किया गया था और उसके तहत जो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के निर्देशन में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र DACE जो है ऐसा केंद्र हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया था, जिसमें गत वर्ष हमने एंट्रेंस किया था। एंट्रेंस के माध्यम से 100 कैंडिडेट्स शेड्यूल कास्ट के लेने का प्रावधान था। उसमें एंट्रेंस के द्वारा जो एडमिशन हुई थी हमारी 98 विद्यार्थियों ने इसमें एडमिशन ली थी और ये सारे जो है एंट्रेंस के द्वारा आए थे। इसका मेन उद्देश्य यही था कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है इनको एक जो है UPSC की या फिर HS की और इस तरह की जो है उनको ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग के बाद हमारे विद्यार्थी जो हैं इस तरह का आगे चल करके अच्छा प्रदर्शन करें। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि जो हमने पीछे ट्रेनिंग की थी उसमें लगभग जो है 3 छात्र जो है नैब तहसीलदार प्राथमिक परीक्षा को पास किया है, 1 छात्र ने नैब तहसीलदार मुख्य परीक्षा का भी पास किया है और 8 विद्यार्थी जो उन्हीं में से हैं वह अन्य विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के उन्होंने उत्तीर्ण किया है यहाँ स्टेट में और नेशनल लेवल पे। अच्छा है, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी आते हैं वो बहुत बैकवर्ड ग्राउंड के हैं, ऐसे गांव से आते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि उनकी प्रतिभा को निखारा जाए और प्रतिभा को निखार करके उनको एक जो है कम से कम आगे कम्पीट करने के लायक बने। अच्छा है, ये विद्यार्थी उस लायक बने हैं। और अभी हाल ही में हमने द्वारा से केंद्र सरकार के साथ एक MOU फिर साइन किया है 23 अक्टूबर में। इस MOU को थोड़ा सा बदलाव किया है। इस MOU में अब जो है पहले 100 सीटें SC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए होती थी, अब जो है 70 सीटें जो हैं वो SC विद्यार्थियों के लिए हैं और 30 सीटें उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC विद्यार्थियों के लिए रिजर्व कर दी हैं। इस बार हमने ये वाला ऐड निकाल दी है। ऐड के तहत पहले जो है हमारे पास जो ग्रांट आई थी उनकी 75,000 पर स्टूडेंट यानी कि 75 लाख रुपये आई थी। इस बार भी उतनी ग्रांट हमारे पास है इन विद्यार्थियों के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने 4,000 पर मंथ स्टाइपेंड अलग से देने का प्रावधान भी किया है। इस बार हमने ऐड दे दी है, ऐड के मुताबिक हमने एंट्रेंस रखा है, लेकिन और एक और प्रावधान इस MOU में रखा गया है कि और विद्यार्थी इसके अलावा भी करना चाहते हैं, अन्य कैटेगरी के करना चाहते हैं, उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए भी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रावधान रखा है और मुझे लगता है कि ये बैच हमारा जो है इस महीने अंत तक जो है हम लिस्ट फाइनल कर लेंगे और दिसंबर में हमारा ये बैच जो है शुरू हो जाएगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।